अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है असाइलेशन। यानी कि आपने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है और असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, किस पे? बेंजीन पे। तो सबसे पहले देखो ना ज़रा, अल्काइलेशन क्या होती है और असाइलेशन क्या होती है, इसका इसको समझ लो। मतलब ये आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके साथ ये हाइड्रोजन जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जिसको हम निकालते थे हर रिएक्शन के अंदर, जब हम इस पे अल्काइल हैलाइड सपोज ऐड करते हैं तो इस H को सब्स्टिट्यूट आपने किससे करवाना है, इस H को आपने रिप्लेस किससे करना है, R के साथ कर देना है। तो ये AR आपके पास R बन गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, अल्काइलेशन हो गई है। आपने क्या जोड़ा है, अल्काइल ग्रुप जोड़ा है, ठीक है ना। अल्काइलेशन क्या होती है, जब आप H को रिप्लेस कर देते हो बेंजीन के किसी H को रिप्लेस कर देते हो R ग्रुप के साथ, तो वो क्या होती है, अल्काइलेशन होती है, ठीक है। इसी तरह असाइलेशन क्या होगी, जब आप बेंजीन का जो H है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो असाइल ग्रुप से। असाइल ग्रुप आपके पास होता है R C डबल बॉन्ड O, ठीक। ये आपके पास क्या है, असाइल ग्रुप है। और जब आप बेंजीन के H को रिप्लेस कर दोगे C डबल बॉन्ड O R के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, असाइलेशन, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप टू बेंजीन इज कॉल्ड असाइलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन इज कॉल्ड अल्काइलेशन। समझ तो नहीं आ गई, अल्काइलेशन, ठीक है ना। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और ये रिएक्शन का नाम जो है वो क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा और बहुत ही आसान भी हैं, पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्काइलेशन की, है ना। तो किस तरह से रिएक्शन होना है, ये आपके पास एक बेंजीन है और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ कोई लीवस एसिड भी चाहिए। लीवस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, AlCl3 जैसा के। अब Cl3 की जगह पे आप X3 कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जनरल हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप X3 लिख लो। अब क्या होगा कि यहाँ से X निकल जाएगा, R जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म इसका बहुत ही आसान है, सारे मैकेनिज्म एक जैसे हैं। तो वो R ग्रुप लग गया, आपने क्या किया है, अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवा दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। और ये बेंजीन का नाम क्या होगा, अल्काइल बेंजीन। और साथ ही साथ यहाँ से जो H था वो Cl के साथ मिलके HX बना देगा, X के साथ मिलके, और बाकी AlCl3 जो कि आपका कैटलिस्ट है वो वैसे ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, उससे पहले एक और आपको रिएक्शन करवा दूं। ये तो जनरल बात कर रहे थे ना, अब हम बात कर लेते हैं इन द केस ऑफ अल्काइल क्लोराइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे RCl ले लिया है, अल्काइल ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई भी आपका जो दिल करे आप अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है। होगा क्या, जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अगर Cl लिया है तो यहाँ पे भी Cl3 होना चाहिए, Br लिया है तो यहाँ पे Br3 होना चाहिए, है ना। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन पे ये R ग्रुप लगाना है, तो आपके पास क्या होनी है, अल्काइलेशन हो जानी है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। और ये Cl और यहाँ से जो H निकला है उसके साथ मिलके HCl बन जाएगा और आपकी कैटलिस्ट वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझो ज़रा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैकेनिज्म अब देखना ज़रा, मैं पहले इसको और इसको लेता हूँ। ये मेरे पास एक RCl है, ठीक, इस पे हमने ऐड किया AlCl3 को। AlCl3 क्या है, आपका लीवस एसिड है, और लीवस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कैसे है, तो इसको ज़रा चेक करना बच्चों। Al का एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना। तो इट्स मीन कि इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हो जाएंगे, फिर 3, क्योंकि 13 है ना एटॉमिक नंबर। ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ Cl का एक एक एटम आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गई है, AlCl3 बन चुकी है। अब आप देखो
तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अभी भी क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बॉन्डिंग के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड की नज़र में AlCl3 आएगा, AlCl3 क्या करेगा, इसको तंग करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि Cl भाई मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो, ठीक है ना। तो Cl क्या करेगा, यहाँ पे Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है इस R की निस्बत। R क्या है आपकी, कार्बन है, तो कार्बन से ज़्यादा क्या है Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। तो इट्स मीन अगर Cl को यहाँ से निकलना है तो Al क्या करवाएगा, इसकी यहाँ से हेट्रोलेटिक क्लीवेज करवाएगा, यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले के जो होगा Al पे अटैक कर देगा। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, ये AlCl3 पहले ही था, अब एक और Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए Al को, तो Al के पास इलेक्ट्रॉन हुए ज़्यादा, तो उस पर आप कह दो कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पीछे आपके पास क्या बचा है, R+ बचा है, तो इस R पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इट्स मीन ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब आपने क्या करनी है, बेंजीन को लाना है और इलेक्ट्रोफाइल को उसके सामने कर देना है, और वो क्या है, R। तो ये R का काम है अब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो क्या होगा, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके ऊपर अटैक कर देगी, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये बेंजोनियम या अरिनियम आयन जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, H है। अब होने वाला क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर AlCl4 नेगेटिव भी मौजूद है, वो क्या करेगा, ये नेगेटिव जो होगा ना, असल में Cl जो होगी वो इस H को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी, जिसकी वजह से वो HCl हो जाएगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे R ग्रुप भी लग गया, और ये H जो था वो यहाँ से जो एक Cl थी उसके साथ मिलके HCl हो गया, और बाकी क्योंकि Cl निकल गया है तो ये क्या हो जाएगा, AlCl3। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है, बहुत ही आसान है, और इसी तरह के बाकी मैकेनिज्म हमने पीछे देखे हैं, तो सारे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अल्काइलेशन होती है। अब R ग्रुप मैंने सब में R ही रखा हुआ था, तो अगर मैं क्या करूँ, इस रिएक्शन में R की जगह पे मिथाइल लगा दूँ CH3, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई है, टोलोइन या मिथाइल बेंजीन प्रिपेयर हो गई है। तो अगर आपने टोलोइन प्रिपेयर करनी है तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लो, अगर आपने इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करनी है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इथाइल क्लोराइड को यूज़ कर लोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा CH2CH3, ठीक है। उस तरह से जो सी भी आपने अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर करनी है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक और इसी का रिएक्शन, जिसका नाम है असाइलेशन। असाइलेशन में हमने क्या करना है, बेंजीन पे असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये है मेरे पास असाइलेशन, ठीक, ये ख़त्म हो गया है हमारा। असाइलेशन में क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग पे किस को, असाइल ग्रुप को। असाइल ग्रुप का मतलब क्या है, RC OH, ये आपके पास क्या है, असाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना, इसको याद कर लो, बाकी सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन पे, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, असाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है ना। असाइल की सोर्स है असाइल क्लोराइड, यहाँ से क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए हम असाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ही ये रिएक्शन होगा, तो आपके पास असाइल बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, C OH CH3, इसको मैंने घुमा दिया, ठीक है ना। ये आपके पास था RC OH, इस C की बॉन्डिंग कर दी है इसके साथ और वो घुमा दिया, यानी कि ठीक है, तो वो आपके पास चीज़ बन जाएगी जिसका नाम क्या है, असाइल बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से आप असाइल बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर R आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी R लिया हुआ है, सही है। बाकी HCl और AlCl3 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से आप और भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे CH3C OH Cl को लिया, अब इसका रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 के साथ, तो क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ असाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवा दो बेंजीन पे,
ये आपके पास हो गया, और यहाँ से जो H निकला है वो इस Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, और बाकी आपका AlCl3 वैसे का वैसे ही रहेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इज कॉल्ड असाइलेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो वो कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास क्या है, असाइल क्लोराइड है, ठीक। ये AlCl3 के साथ क्या करेगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ AlCl3 पे अटैक कर देगी, और क्या हो, AlCl4 माइनस बन गया, बाकी चीज़ क्या बची, फिर आपके पास RC डबल बॉन्ड हो, इस पे आ गया प्लस का चार्ज कार्बन पे। अब कार्बन पे प्लस का चार्ज क्या है, अनस्टेबल है यहाँ पे। क्यों है, क्योंकि कार्बन पे प्लस है, दूसरा क्या है, ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई है, और ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। एक तो पहले ही पॉजिटिव है, दूसरा ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही बेंजीन नज़र आएगी, ये उससे इलेक्ट्रॉन मांगने शुरू कर देगा, और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ले के ही ये आराम से बैठेगा। तो बेंजीन अटैक करेगी इस कार्बन पे, तो आपके पास क्या होना है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, और एक H जो था वो यहाँ पे है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी हो गई कम। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, AlCl4 नेगेटिव की मौजूदगी में, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ इस साइड पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, ये दो पहले ही थे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, सी डबल बॉन्ड ओ आर हो गया है, और ये एच और यहाँ से एक सी एल मिल के एच सी एल बना देंगे, और बाकी क्या बचेगा आपके पास, AlCl3 बचेगा। तो ये थी असाइलेशन। आप इस तरह से किसी भी असाइल ग्रुप को, ठीक है ना, आप सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो बेंजीन पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, कोई समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।